जी तो व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फयाज आलम और डॉक्टर साहब अंजुम रिफतुल्लाह खान, इनसे बात करते हैं और इस इवेंट के हवाले से जो है इनके भी रिव्यूज देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि इस इवेंट में आज आप मौजूद हैं तो लेडीज के हवाले से, एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से क्या देखते हैं कि कितनी आगे निकल गई हैं? देखिए जी, अभी तो खैर इस सफर का आगाज है और ये जो वर्किंग वुमेन वेलफेयर ट्रस्ट है ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है इदारा ये, और ख़वातीन को हुनर सिखाने के लिए, ख़ासतौर पर जो देही इलाकों में ख़वातीन हैं उनको हुनर सिखाने के लिए बहुत मनज़म अंदाज से काम कर रहे हैं। बहुत दूर दूर इनकी टीमें जाती हैं और सिंध के अंदर बहुत, अभी मैं इनके साथ गया भी था, ये जो सैलाब आया था उस सैलाब में लाड़काना और सांगड़ और बहुत सारे इलाकों में जाके इन्होंने काम भी किया और साथ में हुनर सिखाने के मुस्तकिल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करने और अपनी मईशत की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा काम है ये। इस काम को सपोर्ट करना चाहिए, हम भी सपोर्ट करते हैं, बाकी लोगों को भी करना चाहिए। तो आगे इनके कोई फर्दर प्लान्स आप देखते हैं, आप इनका फ्यूचर मतलब क्या देखते हैं? देखिए इनका फ्यूचर तो इस लिहाज से बहुत रोशन है और बहुत इसमें इम्कानात हैं क्योंकि ख़वातीन जो है पाकिस्तान की आबादी का नसफ हैं, आधी आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है और आप जानती हैं कि हमारे यहाँ जो ख़ास तौर पर कच्ची आबादियाँ, देही इलाके हैं, उनमें तालीम का शरह क्योंकि बहुत कम है, तो ये लोग अगर इस तरह के इदारे और ख़ास तौर पर ये लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं साइंटिफिक अंदाज में, मुनज़म तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, तो इसका तो बहुत तरक्की का बहुत इम्कान है और हम दुआ भी करते हैं और हम तावन भी करते हैं इनके साथ, क्योंकि इस तरह के इदारों की पाकिस्तान के माशरे में बहुत ज़रूरत भी है और कमी भी है ज़ाहिर है। तो डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएं कि आजकल इतनी महंगाई हो गई है उसके बावजूद ये लोगों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वो ख़वातीन जो बाहर निकल के काम नहीं कर सकती घर में उनको काम जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ बल्कि डॉक्टरों के साथ रह के 75% डॉक्टर हो गया हूँ जी। मैं लसबेला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सेक्रेटरी जनरल हूँ और मेरे साथ भी इंटरेक्शन राम ने वहाँ इनके प्रोग्राम कराए। असल में वर्किंग वूमेन एक बहुत ही वसी लफ्ज़ है, दुनिया में कोई औरत मुझे तो आज तक नहीं मिली जो कहे कि मैं काम नहीं करती, मैं बेकार हूँ, सभी काम करती हैं घर में, जो वो भी काम करती हैं। तो इस लिहाज से इनका सिनेरियो और इनका स्कोप और इनका कैनवस बहुत बड़ा है और इनके काम करने के लिए बहुत कुछ है, पोटेंशियल भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, ज़रूरत भी है। मैंने बताया कि बलूचिस्तान में मैं हूँ तो बलूचिस्तान की सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज़्यादा मसाइल भी हैं स्पेशली ख़वातीन के, तो उनके लिए काम करने की बड़ी ज़रूरत है और ये ज़रूरत उसी वक्त हल हो सकती है कि जिस मकसद से ये तकरीब की गई है कि लोग इनके साथ तआवुन करें। लोग तआवुन करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कराची और बिलखसूस और पाकिस्तान बिलमूम बहुत बड़े मुखय्यर लोगों पर दुनिया में से में मुश्तमिल हैं और इनको इन तक बात पहुंच जाए, अवेयरनेस हो आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए से, और लोगों को पता चले कि लोग क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, तो वो उसके लिए वसाइल होंगे, इंशाल्लाह करेंगे हम इनके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो व्यूअर्स आप यहां पर देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत जो है वो हैंडमेड यहां पर जो है काफ़ी सारा स्टफ मौजूद है। यहाँ पर कपड़े आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपको पिलोज नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर आपको जो है वो छोटे छोटे कवर्स भी नज़र आ रहे हैं। अगर इसकी मैं बात करूँ तो आप ये देखें, बहुत जो है अच्छे और खूबसूरत इसके कंट्रास्ट में और कलेक्शन में इसको बनाया गया है। हैंडमेड एम्ब्रॉयडर्ड यहाँ पर काफ़ी कुशन्स हैं। तो अब जो है इन लेडीज़ से भी बात करते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साइमा। अच्छा साइमा जी, हम देख रहे हैं यहाँ पर, अभी मैंने जैसे कि अपने व्यूवर्स को भी गाइड किया कि यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हैंडमेड है, बल्कि काफ़ी सारी क्या ऑल ओवर जो भी यहाँ पर स्टफ़ मौजूद है सारा हैंडमेड है और एम्ब्रॉयडर्ड है, तो ये ऑब्वियसली सी बात है कि हाथ का काम है, तो कहाँ से आया है? इतनी टेक्निकल हमारे मुल्क में अल्लाह का शुक्र है ख्वातीन होती हैं, लेकिन वो गुर्बत और विलेजेस में उनको कोई इतने मौके नहीं मिलते कि वो अपना काम रिप्रेजेंट करें। तो हमारी जो वेलफेयर एसोसिएशन है वो जाती है घर घर, उन औरतों से हाईली पे करके उनसे ये काम लेती है ताकि उनको भी एक सेटिस्फेक्शन रहे कि हमने खुद कमाया है, एक सेल्फ इन्हेंस रहे उनको, और हम लोग फिर उसको लाके पे हम यहाँ पे आवाम के लिए अपने लोगों के लिए कि अच्छा जितना हम उनको सपोर्ट करेंगे उतना ही वो और ज़्यादा अपने वर्क करेंगी और अपना अपने आप को। बिल्कुल। अच्छा आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर सकती हैं, उठा के मतलब दिखाएँ कि ठीक है कि हैंडमेड कुशंस हैं और ये कुछ दुपट्टा वाइट पे एप्लिक वर्क है, सारा एप्लिक वर्क है हैंडमेड,
जबर और ये वाला कॉम्बिनेशन, और मतलब उनके कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे हैं, खुद ही उनकी सिलेक्शंस हैं, मतलब उनका जहन इन चीज़ों में है। अगर उनको सपोर्ट किया जाए कहाँ से कहाँ काम करवा सकती हैं हम लोग, कितने उनसे काम। हुनरमंद खातून, हुनरमंद हैं और बस मौके नहीं है उनके पास। वहाँ पर मैं ये ड्रेसेस का अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर सकती हैं, ये सारा है। देखिए उन्होंने खुद स्टिचिंग भी पलके और साथ में उनका सारा वर्क भी है, सूरत लगे कैटल कवर, और ये कैटल कवर एग्जैक्टली, और ये सूट्स हैं हैंडमेड, देखें टू पीस सूट्स हैं ये सारे, ये सब हैंडमेड, ये बहुत प्यारा लग रहा है। मतलब जैसे आजकल शादियों का सीजन है तो जाके जो है ना जाके आप ये दे सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब अच्छा यहाँ पर ना कंट्रास्ट भी किया हुआ है इनवेलप ना इस ड्रेस के साथ, आप अगर इनवेलप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। हाँ श्योर, ये तो आप सर मैच करके भी ले सकते हैं, मैच सेपरेट भी ले सकते हैं, तो ये बड़ा यूनिक सा फैशन हो जाएगा इनवेलप वाला ड्रेसेस। देखें एप्लिक जा नमाज, वेरी नाइस, डाल सकते हैं एज अ रग भी डाल सकते हैं, नहीं तो जा नमाज के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। ये बैग है, हैंडमेड बैग है। अच्छा ये भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर फ्रेम भी जो है वो, यस यस, ये फ्रेम भी हैंडमेड है, हमने फ्रेमिंग तो हमने खुद करवाई है बट अंडर का जो एम्ब्रॉयडरी है वो उनके अपनी है पर्सनल। तो मुझे ये बताएं कि फ्यूचर के क्या प्लान्स दिखती है इन लेडीज। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों के लिए, बल्कि अभी तो हमारे जो प्रोग्राम है इसी मकसद के लिए कि हम उनके लिए बड़े पैमाने पे प्रॉपर एक बिल्डिंग और एक वैसी, ताकि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा उनको सिखाएँ भी उसी में, उनसे काम भी लें। तो माई वेलफेयर का प्लान तो यही है आगे अल्लाह को जो मंजूर, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट। As a registered non-profitable and non-governmental organization, it's working for the well-being of working women. And when we talk about working women, there are essentially various sectors and segments of working women in the society. There are those belonging to the corporate sector. There are those, the rural working women, dehi ilaqon mein hamari wo aurat jo kheton mein kheti baadi karti hai, phir cotton ke phool chunti hai, phir matlab wo us kaam mein involved hoti hai. And then there is a very important segment of working women that we refer to as women entrepreneurs. So having the same set of working hours for men and women, this is a problem that is faced by working women all around the world, and of course in Pakistan. There is work-life balance issues, very much related to what we already discussed. Unfavorable physical working environment. When we talk about this, there are issues of having no female washrooms at workplaces, no daycares at workplaces, no separate prayer rooms at workplaces for women, issues like that. I mentioned another segment of working women, women entrepreneurs. As much as this word sound very, sparkling to the ears and very, sounds good, entrepreneurship is a hard job. These women who, plan and decide to have a business or have a setup of their own, they also face a variety of problems. And we have been in an interaction with them for quite long now. So working women, came together and was organized. And, Working Women Welfare Trust organized all these women on a single platform to meet these challenges. Hum ye nahi chahte. वर्किंग वुमेन वेलफेयर ट्रस्ट ने कभी ये नहीं चाहा कि जिस औरत से उनका इंटरेक्शन हो, जिस वर्किंग वुमेन से उनका इंटरेक्शन हो, वो सिर्फ काम की मशीन बन के रह जाए और उसको सिर्फ कैरियर ओरिएंटेड बना दिया जाए। वी हैव बीन वेरी मच इंटरेस्टेड इन मेकिंग देयर फैमिलीज प्रॉस्पर ड्यू टू देयर वर्क। ओके, सो ऑल आर एफर्ट्स एंड ऑल आर एफर्ट्स towards legislation in Pakistan, towards having certain opportunities for these working women. So these are our key domains. When we interact with working women or when we work with working women, we work on these three basic areas. Precisely, their empowerment, advocacy, and capacity building. Empowerment is, empowering a working woman, unko wo quwwat aur taqat faraham karna ki wo ek behtareen aur kamyab insaan जो उनकी फैमिलीज के लिए भी फायदेमंद हो और उनकी जात के लिए भी फायदेमंद हो और सोसाइटी के लिए भी फायदेमंद हो। सो वी हैव बीन वर्किंग इन दीज एरियाज देयर फॉर द कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन, अवेयरनेस ऑफ वुमेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, हाईलाइटिंग इशूज एंड इनिशिएटिंग प्रपोजल्स, प्रोवाइडिंग इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज, रिप्रेजेंटेशन ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल फोरम्स। सो अगैन बेसिकली there is a lot of social awareness involved, there are programs for poverty alleviation,
There is guidance and counseling in our setup. There is vocational training in our activities. There are, of course, since Pakistan is, you know, is a center point of disaster, the relief activities are a must, you know, directed towards working women. यहाँ पे होता ये है कि ये ख़वातीन कुछ हुनर जानती हैं और शायद हम बाद में इस पर कुछ ज़्यादा बात भी कर सकें. वो हुनर कुछ ये जानती हैं, कुछ हमने इनका पॉलिश किया. ये बेसिकली सिलाई कढ़ाई का काम जानती हैं और एक चीज़ होती है जिसको शायद टुक वर्क कहते हैं, जिस पर हम इनसे काम करवाते हैं. हमारा काम ये है कि हमने इनकी स्किल पे इनको बेसिक ट्रेनिंग दी है, उसके बाद हमारे यहाँ से कपड़ा और पूरा मटेरियल अरेंज करके इनके पास ले जाया जाता है. ये ख़वातीन और बाज़ोकात पूरे ख़ानदान इस काम में शामिल होकर, शायद महाना, मेरा अंदाज़ा यही है कि महाना बुनियादों पर इनसे इंटरेक्शन होता है, इनको काम दिया जाता है, बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, उसके बाद वो काम इनसे रिसीव किया जाता है. इनको उस काम की कई गुना उजरत दी जाती है उसके मुकाबले में जो कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या दूसरा मार्केट लीडर इनसे इनको दे रहा होगा. और वो फिर हम उसको हुनर के नाम से मुख्तलिफ जगहों पर मार्केट करते हैं. सो इन द प्रीवियस स्लाइड्स वट एवर वी डिस्कस्ड और वट एवर वॉज प्रेजेंटेड वॉज अंडर द हेड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. Denial of equal opportunity for promotion on a competence basis, gender pay gap, variety of stressors at workplace, work underload, work overload, job future ambiguity, insufficient and unpaid maternity leaves, an issue which is, you know, classically being mishandled in Pakistan. Maternity leaves, our struggle for on-site daycare centers, having a daycare at the very working place that a woman is working in so that she can, you know, drop her kids. Flexible working hours, these three issues have been, you know, the prime subject of Working Women Welfare Trust's focus, which include maternity leaves, daycare centers, flexible working options, and also the transport. The transport issue, having a safe and comfortable and convenient system of transport for working women. And also we have been targeting, you know, that very, the group of young females who are right now pursuing professional education and who will potentially be the working women of tomorrow. Now, this I believe is something which only we have been pursuing over the years. Maine abhi tak mere ilm mein koi aisi organization nahi hai jo is tarah in bachiyon se aur in young logon se interact kari ho. I myself have been a part of, you know, this segment aur hum isme un bachiyon ke sath grade 8 se leke aur university level tak kaam khawateen bahut acche kar sakti hain aur wahan wo bahut achieve kar sakti hain aur successful ho sakti hain. Hum us taraf unko direct karte hain. वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें.